हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है 30 तारीख और थर्सडे हो गया है और अभी हुआ है दोपहर का टाइम। दोपहर का 1 बज गया है और मैं और सुमित चले हैं, यही पास में ही जा रहे हैं दुकानों तक, कुछ काम था तो वो करके आएंगे। और आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, अभी बस पहुंचने ही वाले, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे तो उन्हीं का वेट कर रहे थे। और कौन आने वाले हैं ये आप थोड़ी देर में देखोगे। वैसे मैं बता भी देती हूँ, हम अभी बहादुरगढ़ गए थे ना शादी में, आपने वो व्लॉग देखा होगा शादी वाला, तो जिनके यहाँ शादी थी मम्मी की फ्रेंड, तो वो आने वाली है आज तो बस हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं और थोड़ा सा भी काम है वो करके आ जाते हैं, तब तक वो भी पहुंच जाएंगे। और आ गई है आंटी, मम्मी की दोस्त, और साथ में उनके लड़के भी आए हैं। और चाय पानी दे दिया है मैंने और अभी मैं उनके लिए लगी हूँ पकोड़े बनाने। वैसे मौसम भी हो रखा था पकोड़ा का, थोड़ा बारिश से का मौसम हो गया था दोपहर में ही। और बस फिर मैंने सुमित को बोला भी था कि नाश्ते के लिए कुछ समोसे वगैरह ले आओ, पर सुमित बोले कि घर पे ही कुछ बना ले, तो मैंने सोचा चलो पकोड़े बना लेती हूँ, तो इसलिए मैं पकोड़े बनाने लग गई। और बस पकोड़ों के साथ जो हरी चटनी है तो वो तो चाहिए भी, हरी चटनी पकोड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने धनिया और पुदीने की चटनी भी बना ली है साथ में, और साथ साथ में पकोड़े भी तल रही हूँ। तो ये देखो चटनी तो मेरी बन के तैयार हो गई है। और मैं इन आंटी से है ना शादी में ही मिली थी पहली बार, बहादुरगढ़ रहती है ये आंटी और बहादुरगढ़ गए थे हम शादी में सर्दियों में, तो मैं पहली बार मिली ना तब मेरे को ये भी नहीं लग रहा था भी हाँ मैं इन आंटी से पहली बार मिल रही, इतना अच्छा नेचर है ना इन आंटी का, बहुत ही अच्छा नेचर है, बोलने में एकदम इतना मीठा बोलती है। और बस अभी पकौड़े भी मेरे बन ही गए हैं, तो एक बार के बना के निकाल ली है मैंने और दूसरी बार के डाल रही हूँ। और बस लगा दी है प्लेट, मतलब ट्रे में रख दिए हैं सारे सामान, चटनी सॉस और पकौड़े। तो अभी सुमित को बुला लिया, सुमित ले जाएंगे, इतने दूसरी बार के और तल लूँगी और फिर बैठ के बातें करेंगे हम। अंगूर खाने देखो देखो कैसे खा रहे हैं, पूरे मराजे मराजे वो लिया करते ना अंगूरा के मजे, ऊपर से वो उठा के नो वैसे ही खा रहे हैं पड़े पड़े, ये ज्यादा टेस्टी लगा है इनके काम देख लो, पूरे का पूरा गुच्छा खाना है ऐसे ही खाना है और सारा अब नीचे नहीं रखना है, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। कोई आया हुआ था बस अभी वो गए खाओ देखो ये भगवान जरूर 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 हाँ जरूर। मैं और मम्मी दोनों आए आज पार्क घूमने बहुत दिनों बाद, मैं तो फिर भी बीच में आ गई थी नायरा को झुलाने, मम्मी तो बहुत दिनों में आई है, बहुत ही कम आदमी आए हुए हैं है, तो रास्ता में निकलने का मिल गया, यो मंदिर वाला रास्ता खुला था। अब आंटी को बुला रहे हैं, देखते हैं आंटी आएगी या नहीं घूमने के लिए, वैसे आंटी का बहुत मन करता है पार्क में घूमने। ये देखो सारे में लग गई है घास, बड़ी बड़ी भी होगी लेकिन अब तक गेट नहीं खोले हैं, ये पार्क के पास वाला गेट खुद ही खोल रखा है लोगों ने, इतनी बड़ी बड़ी घास हो गई है। कितनी बुरी आंधी चल रही है भगवान, उड़ी आ रही है जमा, कितना कूड़ा उड़ रहा है, ऐसा मौसम हो गया, शाम के 5 बजे हैं और ये मौसम का हाल देख लो, पता नहीं कब बारिश रुकेगी, आंधी आ रही है जबरदस्त वाली, अंदर घुस लो।
और अभी पहले तो बहुत तेज आंधी आई है और फिर आई है बारिश छुटमुट छुटमुट, बाद में तो तेज हो गई थी लेकिन अभी तो धीरे धीरे ही हो रही है। और आंधी तो अब भी चली हुई है लेकिन अभी रेत नहीं उड़ता, ये सही है, पहले बारिश होनी चाहिए बाद में आंधी आनी चाहिए, लेकिन आंधी पहले आती है। और अब मई जून में तो अप्रैल में तो इतनी आंधी आएंगी बहुत ज़्यादा, इतनी मिट्टी घुस जाती है घरों में आंधी आती है, तब इतनी सफाई करनी पड़ती है। अभी शाम के 6:45 बज गए हैं और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो राम ने दोबारा से ठंड कर दी, ठंड जाने को होती है फिर बारिश कर देता है और फिर से ठंड हो जाती है, तो आज कुछ मौसम ऐसा ही हो रहा है, हल्की हल्की ठंड लग रही है। और सुमित का मन कर गया बाहर बैठने का, तो सुमित बोल रही थी मम्मी को बाहर बैठ के चाय पियेंगे, तो सुमित चाय तो पी नहीं रहे, तो बोले मेरे लिए मसाला टी बना दे, पर मसाला टी के लिए तो टी आती है शायद वो मसाले की, तो फिर मैंने सोचा सुमित के लिए मैं बना देती हूँ लेमन टी और मम्मी के लिए चाय बना दूंगी और बाहर बैठ के फिर चाय के मज़े लेंगे ठंडे ठंडे मौसम में। तो लेमन टी के लिए मैंने यहाँ पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और अब इस पानी में मैं डाल लेती हूँ चाय पत्ती, आधा चम्मच चाय पत्ती डाली है मैंने। और इसी टाइम है ना इसमें चीनी डाल लें, लेकिन मैं अभी चीनी नहीं डाल रही सुमित की चाय में, हन्नी डालूंगी, तो इसलिए मैं अभी जो हन्नी है वो कप में ही डाल लूँगी, इस पानी के साथ नहीं उबालना होता हन्नी को, तो सीधा कप में ही हन्नी डाल लूँगी, फिर ऊपर से चाय छान दूँगी। तो अभी बस इसको 5 मिनट, चाय पत्ती को 5 या 10 मिनट पानी में उबाल लूँगी। और अभी चाय उबल गई है, बस अब मैं इसको छान लूँगी और छान के आधा नींबू का रस इसमें डाल दूँगी चाय में, तो ये बन जाएगी लेमन टी। और इसका थोड़ा सा ना कलर भी चेंज हो जाता है नींबू का रस डालने से, तो बस लेमन टी बन के तैयार है। मिला लिया हनी, मिला लिया है इसमें और नींबू मिला लिया है, तो ये होगी लेमन टी। और मम्मी के लिए मैंने चाय भी चढ़ा तो दी है। मम्मी के लिए चाय बन रही है और सुमित के लिए मैंने लेमन टी बना दी है, और अभी बाहर बैठ के चाय के मजे लेंगे, मुड्डे डाल के बैठ जाएंगे, उधर ठंडी ठंडी हवा लगेगी और ठंडी में चाय का तो मजा अलग ही होता है। क्या पी के देखो मम्मी की चाय बनने दो, फिर लेके आती हूँ, पता कितने महंगे हो रहे हैं नींबू, नींबू की लेमन टी की वो 10 रुपए का एक नींबू आवा है, इतने महंगे क्यों हो रहे हैं अब पता नहीं, अब सीजन नहीं होगा इसलिए, पर नींबू तो सारे टाइम लगे ही रहते हैं ना, अरे गर्मियों में कम हो जाते हैं महंगे, गर्मियों में सस्ते होते हैं बारिश उसके मौसम में, तो नींबू पानी कितना पीते हैं तब तो सस्ते होते हैं नींबू, फसल खराब होगी क्या पता पता तो है नहीं तो क्यों मारो चलो आप मुंडे लेके चलो चाय में ले आऊंगी, आ रहे हैं चलो बनने के बाद आ जाओ। आप वाली आप तो गरम गरम पीते हो ना, चाय ले भी जाओ, चलो 5 मिनट में मैं ले ही आती हूँ, ले जाओ तो पी लो आप, मैं मम्मी के लेके आ रही, इतने बैठो बाहर, अब ये दोबारा गर्म नहीं होनी, अरे ये थोड़ा सा पानी मिला दो इसमें गर्म करके, थोड़ा सा ठंडी बहुत गर्म चाय पीते हैं सुमित, तो बहुत ज्यादा गर्म, तुमने तो अपनी चाय खत्म भी कर दी, पी लो अब भी ठंडी हो है उधेड़ है, ले सुधेड़ दी सारी उतार दी सारी, ठंड लगेगी ना पी लो ठंडी होली आपकी, तो इतने तो कई देर की खत्म कर रखी है, ठीक है जब अब हल्की भी होगी होगी थोड़ी, हाँ सुंदर लगा चुन्नी तो, ये पी लो, लो बारिश के मौसम में चाय के मजे। और ये सारी लहसुन उधेड़ दिया मम्मी ने चुन्नी की, बाहर चाय पीते पीते ही ठंड चढ़ गई, तो बाहर अंदर आ गए हम अपने मुंडे उठा उठा के, इतनी देर चाय पीना, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी देर में ठंड लगने लग गई, तो हमने सोचा चलो अंदर ही चलते हैं, क्यों बाहर बैठे तो अंदर ही बैठ जाएंगे, और वैसे भी अभी खाने का टाइम हो गया, सुमित तो वो ले आना लौकी बाग के, लौकी की सब्जी बना लेंगे आज, चल मैं लेके आऊँ सब्जी, ले आती हूँ, खाने का टाइम हो ही गया है तो सब्जी बनानी है मेरे को अभी, क्या
सारी ना ऐसी लाइए, गोभी गोभी मत लाइए, क्या लेके आऊं? ग्रीन वेजिटेबल वाली, लौकी, तोरी, ये धनिया पुदीना की इनका जूस पिएंगे। धनिया पुदीना तो है ही, आप लेके आए थे अभी। ये क्या क्या? लौकी तोरी ले। अरे ग्रीन वेजिटेबल वाली सारी सब्जी ले लीजिए, जो भी बनानी है बस वो लेके आऊंगी, ताजा ताजा लेके आएंगे रोज की। कौन सा दुकान ही तो है सामने ही। ठीक है, सब्जी ले आती हूँ, फिर आके खाना भी बनाना है। और ले आई हूँ मैं सब्जी, और सब्जियों में मैं लाई हूँ पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर। और गाजर तो अभी रह भी रही थी, लेकिन मैं रोज़ जूस बनाती हूँ सुबह गाजर का, चकुंदर का, और कोई फ्रूट हो तो वो भी डाल लेती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा तो गाजर तो ले ही लूँ। तो ये लौकी, तो ये सब्जियाँ लेके आई हूँ। और आते ही पहले मैंने कपड़े चेंज करे, क्योंकि जब मैं सब्जी ले रही थी ना तो वहाँ भीग गई, और ठंडी हवा तो चल रही थी तो मेरे को ठंड लग रही थी, तो पहले आते ही कपड़े चेंज करे और फिर मैं सब्जी धोने लगी हूँ। और लौकी मैंने काट दी है और उसका तड़का भी तैयार कर दिया। तो सब्जियां मैंने सारी धो दी हैं, और अब सब इनको सूखने के बाद फ्रिज में रख दूंगी, छलनी में रख दिया अभी मैंने। और अभी लग जाती हूँ अपनी रोटी सब्जी बनाने में, और इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब।